हेलो एवरीवन वेलकम टू आई गेट भिलाई अभी हम एक रेफरेंस न्यूमेरिकल ले रहे हैं कब पूछा हुआ इसको देखिए आप लोग गेट कंप्यूटर साइंस 2006 टू मार्क्स न्यूमेरिकल लिए मैं एक बार रीड आउट कर रहा हूँ आप भी देख लो फॉर अ स्टेट मशीन एक्चुअली ए फाइनाइट स्टेट मशीन फॉर अ स्टेट मशीन विथ फॉलोइंग स्टेट डायग्राम एक्सप्रेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेट एस प्लस इन टर्म्स ऑफ करेंट स्टेट एस एंड द इनपुट वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई इज ये स्टेट डायग्राम दिया हुआ है और यह ऑप्शन स्टेट दैट एस इक्वल टू वन एस इज इक्वल टू जीरो स्टेट एस इक्वल टू जीरो और जो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है उसको मैंने डिफरेंट कलर के पेन से हाईलाइट कर दिया है सो दैट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये नीबर के आपको अच्छा लगे एक्स इक्वल टू जीरो पे वन से लेकर जीरो में ट्रांजेक्शन हो रहा है वाई इज इक्वल टू जीरो पे एस इक्वल टू जीरो से वन पे ट्रांजेशन हो रहा है एंड एक्स इक्वल टू वन पे सेम y इक्वल टू वन पे सेम उसके बाद ऑप्शन लिखा हुआ है फिर अगर हम एग्जाम में है तो हमें थिंकिंग स्टार्ट ही करना पड़ेगा कहीं कही ना कहीं से तो हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें सबसे पहले मैं एक बार ट्रांजिशन डायग्राम का डिस्क्रिप्शन देता हूँ यहाँ पे एस इकल टू वन से लेकर जीरो में ट्रांजिशन हो रहा है लेकिन तब जब एक्स इक्वल टू जीरो है बट वाई का डिस्क्रिप्शन नहीं है दैट मीन्स मैं वहीं वाई यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ एस इक्ल टू जीरो से लेकर एसी इक्वल टू वन पे ट्रांजिशन हो रहा है वाई इज इक्वल टू जीरो है बट एक्स का अगेन कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है तो एक्स एक्स ले लो मतलब कैपिटल एक्स डोंट केयर टर्म या तो एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए जब वाई जीरो होगा तो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है जीरो से वन यहां पे देखो एस इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन पे सेम स्टेट वन एंड फाइनली आल्सो वन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई एस इक्वल टू जीरो फॉर वाई इक्वल टू वन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वी आर हैविंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम जीरो टू जीरो तो आपको एक बार याद होगा कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सारे फ्लिप फ्लॉप का डिफाइन कैसे करते हैं तो मैं यहां पे देखिए सॉल्यूशन बना रहा हूं कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक बार देखते हैं S, X, y, S तो हम दिस इज एस एक्स वाई एस प्लस रिप्रेजेंटेशन तो गेट एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बट इन जनरल हम लोग ऐसे एस एन प्लस वन लिखते हैं और ये एस एन भी कर सकते हैं ये तो एस कर सकते हैं ठीक वट इज एक्स एंड वाई आर द इनपुट्स एक्स एंड वाई आर द इनपुट्स क्वेश्चन पे तो लिखा हुआ है एस एन इज द करेंट स्टेट करंट स्टेट या करेंट आउटपुट भी बोल सकते हो आप एंड दिस वन इज नेक्स्ट स्टेट या तो अपकमिंग स्टेट ठीक सॉल्व करने का तरीका इसका बहुत सिंपल है मैपिंग करना हम लोग को प्रॉपरली क्या किया अभी हम लोगों ने अभी तो जस्ट में लिख रहा था किया क्या हम लोगों ने एस एक्स वाई और एल्स एस एन एक्स वाई की सारी पॉसिबल वैल्यूज हम लोगों ने लिख ली है और उसके रिगार्डिंग अगर मैं ये वाली वैल्यूज फिल कर लिया और सिंप्लीफाई कर लिया तो चारों में से एक ऑप्शन डेफिनेटली सैटिस्फाई हो ही जाएगा अभी स्टडी करते हैं हम लोग आप ट्रांजिशन डायग्राम पे फोकस कीजिए और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे फोकस कीजिए फॉर एस इक्वल टू ज़ीरो दैट मीन्स हम यहाँ एस इक्वल टू ज़ीरो एक्स जीरो और वाई ज़ीरो एक्स ज़ीरो एंड वाई ज़ीरो अभी मेरे को सिर्फ डायरेक्टली एक ही चीज़ दिख रहा है ये वाला जब मैं एस इक्वल टू ज़ीरो पर हूँ और वाई ज़ीरो है तो आउटपुट हमारा वन आ रहा है Osionfish. इसके बारे में फिल करते हैं एस इक्वल टू जीरो मतलब मेरा पूरा फोकस यहाँ पे है एस इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू वन सी वाई इजिकल टू वन मेरे को मिल गया एस इक्वल टू जीरो वाई इजिकल टू वन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स डिस्क्राइब करते वक्त हमने बताया था आपको वाई इक्वल टू वन एज इक्वल टू जीरो दिस इज आउटपुट रिमेन्स एज इट इज जीरो था अभी भी जीरो है फाइनली अगेन एस इक्वल टू जीरो पे हम लोग यहाँ पे आ गए एस इक्वल टू जीरो एक्स वन वाई जीरो एस इक्ल टू जीरो पे हूँ और वाई जीरो है तो मेरा आउटपुट बदल के वन हो गया तो यहाँ पे हम लोगों ने वन फिल कर लेते हैं हम लोग मैं एस इक्ल टू ज़ीरो पे हूँ एक्स वन है और वाई वन है सर्च आउट मैं एस इक्वल टू ज़ीरो पर हूँ वाई वन है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पहले भी ज़ीरो था अभी भी ज़ीरो है पुट द वैल्यू ठीक अभी नेक्स्ट वन यहाँ पे आ जाते हम क्योंकि मैं एस इक्वल टू वन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने वाला हूँ एस इक्वल टू वन एक्स इक्ल टू जीरो वाईजिकल टू जीरो सी एस इक्वल टू वन एक्स इक्ल टू जीरो मिल गया मेरे को वी आर हैविंग अ ट्रांजिशन चेंज ऑफ आउटपुट एस इक्वल टू कितना हो गया अभी जीरो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग एस इक्वल टू वन एंड एस इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाईजिकल टू वन एक्स जीरो है इंडिपेंडेंट ऑफ वाई एक्स इक्वल टू जीरो इंडिपेंडेंट ऑफ वाई अगेन ट्रांजिशन हो रहा है हमारा जीरो पे ही एस इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन बस एस इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन आउटपुट रिमेंस अनचेंज पहले भी वन था अभी भी वन है नो no प्रॉब्लम लास्ट में आ जाइए एस इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन वाई कुछ भी हो एस इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन वाई कुछ भी हो आउटपुट इज वाई ठीक है अब बैटर यह है कि हम इसको डायरेक्टली एक बार मैप से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सी के मैप सिंप्लीफिकेशन एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं मैं एस प्लस इज अ फंक्शन ऑफ एस एन कॉमा एक्स कॉमा वाई ठीक लेट सॉल्व द रेस्पेक्टिव के मैप जब आप के मैप सॉल्व करते हो तो आपको एमएसबी और एल एस बी का बेसिक फंडामेंटल पार्ट पता होना चाहिए कई बार रिजल्ट मैच नहीं होता इसी वजह से ठीक है तो अभी तो मेरे को दिख है एम एस बी एल एस बी दिस इज एस एक्स वाई वी आर सॉल्विंग अ केम एफ फॉर एस प्लस जीरो वन जीरो 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 वन 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 जीरो फिल द वैल्यूज़ ब्लाइंडली हम फिल कर सकते हैं वैल्यूज़ क्योंकि ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है सीक्वेंस so में जब लिखा हुआ है तो ब्लाइंडली फिल कर लेते हैं वैल्यूज़ हम लोग वन वन जीरो वन ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो यहाँ तक कि फीलिंग हो गई जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन आपको अच्छे से पता होगा कि के मफ सॉल्व करते वक्त हम रिडेंडेंसी अवॉइड करते हैं तो मैं ग्रुप फॉर्म कर लेता हूँ इसका एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग फ्रॉम रो वैल्यू एस इक्वल टू जीरो दैट मीन्स एस बार फ्रॉम कॉलम वैल्यू विच टर्म इज कॉमन जीरो एंड दैट इज वाई बार ये ग्रुपिंग कंप्लीट है केम हमारा तब कंप्लीट होता है जब सारे वन खत्म हो जाए तो ये दोनों वन बचा था तो ये दोनों वन का मैंने ग्रुप फॉर्म कर लिया नो दैल्यूज ना होक्वल टू वन यहाँ से एस आ गया इस वाले कॉलम पे और इस वाले कॉलम पे आप फोकस करो वन 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 जीरो वन इज कॉमन एंड वन बिलोंग्स टू एक्स एस ओ पी से सॉल्व किया हम लोगों ने क्योंकि वन के रिगार्डिंग सॉल्व किया हुआ है एस ओ पी से सॉल्व किया हुआ दैट मीन्स दोनों टर्म्स के बीच में प्लस साइन आएगा तो हम एस प्लस लिखे इक्वल टू कंप्लीट एक्सप्रेशन इज एस बार वाई बार प्लस एस एक्स इज माई फंक्शन ऑफ और एक्सप्रेशन ऑफ एस प्लस इन टर्म्स ऑफ एस करंट स्टेट एक्स एंड वाई सपोज टू बी इनपुट ठीक है एक्स्ट्रा चीजें डिस्कशन करने की नीड नहीं है यहाँ पे सी ये अनवॉन्टेड डिटेंडेंसी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग से कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बेसिक्स ऑफ केवे कंप्लीट होगा आपका रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ डिटेंडेंसी वाला ठीक सो so, अभी अगर हम सॉल्व कर चुके हैं हमारा न्यूम्रिकल कंप्लीट एक्सप्रेशन आने के बाद आई शुड गो फॉर एप्शन इज माई आंसर तो फर्दर कोई क्वेरीज है तो आप नीचे यूट्यूब में पोस्ट कर दीजिएगा कि क्वेरीज क्या है रिगार्डिंग सॉल्विंग ऑफ न्यूमरिकल्स ऑर मैंने मैंने पूरा डील कर लिया कि न्यूमरिकल में किस अप्रोच से स्टार्ट करना और किस एंड तक खत्म करना इस अप्रोच को मैंने क्विकली इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि हम लोग को पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एनी फ्लिफ्लॉप कैन बी डिस्क्राइब एस अपकमिंग आउटपुट टू बी अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इनपुट एंड ऑलरेडी नोन आउटपुट दैट इज नथिंग बट पास्ट आउटपुट ठीक है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको क्लियर भी हुआ होगा कन्सेप्ट ऑफ दिस वन इज अ ट्रांजिशन डायग्राम ठीक है सो थैंक यू एवरी